तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर। सभी संविदा कर्मी, सभी आउटसोर्सिंग कर्मी, दैनिक वेतनभोगी और ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों का मानदेय अब बढ़कर 18,000 रुपये से 21,000 रुपये हो गया है। जी हाँ दोस्तों, श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा है, अब किसे कितना मिलेगा आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री आतिशी ने किस तरीके से मानदेय में बढ़ोतरी घोषणा की है और आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और तमाम इस भारत देश के राज्यों में भी क्या ठेके पर काम करने वाले आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी या फिर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय इस कदर बढ़ना चाहिए? अगर बढ़ना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार से घोषित नई दरें 1 अक्टूबर से दिल्ली में लागू होगी। सीएम आतिशी ने 25 सितंबर को न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन प्रति माह 18,066 रुपए, अर्धकुशल का श्रमिकों का मानदेय 19,929 रुपए और कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 21,917 रुपए होगा। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी किस तरीके से और राज्यों से की तुलना में दोगुना हो चुका है। दिल्ली में श्रमिकों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। सबको सम्मानजनक जीवन देना पहली प्राथमिकता दिल्ली सरकार की बन चुकी है। इतना नहीं, आइए इस वीडियो में बताते हैं किस तरीके से 2013 से पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो कितना मानदेय हुआ करता था और आज की डेट में क्या मानदेय हुआ है। आइए हम लोग मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी जी से ही सुनते हैं। स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस 21,917 पर बढ़ाया जा रहा और इसका कंपैरिजन करने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले कितनी मिनिमम वेजेस थी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी। 2013 में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस मात्र 7,722 रुपए होती थी जो आज हमने 18,066 रुपए कर दिया। 2013 में सेमी स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 8,528 रुपए होती थी जो आज 2024 में 19,929 है। 2013 में स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 9,388 रुपए होती थी जो आज 21,917 रुपए दिल्ली में है। और ना सिर्फ इतना, मैं इसका कंपैरिजन आपको बताना चाहूंगी और राज्यों के साथ की। जो में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस दिल्ली में 18,000 रुपए हैं वो राजस्थान में मात्र 8,063 रुपए है। मध्य प्रदेश में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है 10,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश में 8,300 रुपए है। हरियाणा में 10,000 रुपए है। छत्तीसगढ़ में 10,900 रुपए है। बिहार में 10,600 रुपए है। तो अगर आप देश भर से कंपैरिजन कीजिए तो आज दिल्ली सरकार की मिनिमम वेजेस सबसे ज्यादा है। तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार दिल्ली के आम लोगों को एक बेहतर जिंदगी, एक डिग्निफाइड जिंदगी देती आई है और आने वाले 4 महीनों में भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे कि दिल्ली वालों को और दिल्ली में रहने वाले आम लोगों को, गरीब लोगों को एक इज्जतदार जिंदगी मिल सके। तो दोस्तों आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी ने क्या कहा, किस तरीके से और राज्यों में न्यूनतम वेतनमान के आंकड़े साझा करते उन्होंने बताया कि दिल्ली में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से अधिक है, तो वहीं राजस्थान में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 8,000 रुपये मात्र है, मध्य प्रदेश में 10,000 रुपये मात्र, उत्तर प्रदेश में 8,300 रुपये मात्र, हरियाणा में 10,000 रुपये मात्र, छत्तीसगढ़ में 10,900 रुपये मात्र है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आप भी एक संविदा कर्मी हैं, आप भी एक ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं या आप भी एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो यकीनन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप साझा करें ताकि इस तरीके की लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।